कहते ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। आजकल आप अगर किसी को कहते हो ना कि मेरे पास दो रोटी नहीं है, तो आपको फ्रेंड्स क्या, रिश्तेदार क्या, सब भूल जाएंगे। आपको कहे ना हाँ जी सब कुछ बढ़िया, शुक्र है मालिक का, तो आपके पास सब आएंगे। एक टाइम ऐसा था कि मेरे रिश्तेदार मुझे पूछते नहीं थे। मैंने रिक्शे के ऊपर एसी लोड करें, मजदूरों वाले काम किए, बाऊजी करके लोगों को कहा है आपका एसी लाया हूँ सर, कुछ बख्शीश मिलेगी, ली है। वो मेरी मेहनत थी, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस बिजनेस ने मुझे इतना नाम दे दिया, इतनी शोहरत दे दी, ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, कोरोना भी गया है, दो साल से वेले बैठे हुए थे, काम भी इतना नहीं है। अब लोग स्टंटबाजी करते हैं, अपने बच्चों को खड़े कर रहे हैं साथ में, चलो जी आप बनाओ, ऐसी स्टंटबाजी नहीं है। मैं तो इतना चाहता हूँ बस, मेरे को कहीं से कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मेरे को भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बिजनेस चाहिए। मैं अपने बिजनेस से स्टैंड करूँ, अपने बच्चों को कुछ कह के जाऊँ हाँ कि भाई मेरे बच्चे भी मुझे बोले कि पापा ने हमारे सबको लुटाने के बाद भी ई रिक्शा से स्टार्ट किया था। इतना लाइफ मिल जाए मेरे को, इतना टाइम मिल जाए कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना कर जाऊं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हर जगह इमोशन नहीं काम करता। क्या दिखाएं इमोशन करके कि हाँ यार दया भावना, बिजनेस चाहिए, भीख नहीं मांगू। शरीर फैटी है, ठीक है, प्रॉब्लम है कुछ, फाइनेंशियल भी है, बीमारी छोटी मोटी लगी रहती है, अब शरीर ही भारी है, बीपी भी होगा ऊपर वाले की दया से, फिर भी बड़े अच्छे हैं, हाथ जोड़ते हैं ऊपर वाले का, बड़ा शुक्र है तेरा, चलता फिरता लेके जाए हमारे को, बस बच्चों के लिए कुछ करके जाऊं, बस ये है। So, ये बन रहे जी यहाँ का स्पेशल चिकन तवा कबाब, टू रुमाली रोटीज, और सबसे पहले तवे के ऊपर आ गया जी भर भर के मक्खन। और ये मैं देख रहा हूँ जो चिकन कबाब है उसको काट के सीधा मक्खन के अंदर टॉस किया जाएगा। ये आ गया जी प्याज, ये आ गई जी जिंजर गार्लिक सॉस, एंड इसके आते ही माहौल बन गया, दी अरोमा इज मैजिकल नाउ बिकॉज ऑफ द गार्लिक। अब आ रहा है जी टमाटर के स्लाइसेस, ये आ गया जी हरिया धनिया, और ये आ गया जी नमक, धनिया सूखा धनिया, ये मसाला आ गया जी, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पानी ताकि एक ग्रेवी एक सॉस बन जाए। अरे वाह जी वाह, प्याज और टमाटर के जो जूसेस हैं उनकी वजह से एक माहौल सा बना हुआ है। कश्मीरी रेड चिली और ये आ गई कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स, टकाटक टकाटक। जो कबाब थे वो ऑलमोस्ट क्रीमिश कलर के थे, अब इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा रंग आ गया, मक्खन की कुल्फी आ गई पीछे से दोबारा से, ये आ गया और हरिया धनिया, ये आपके कबाब टकाटक कबाब आ गए सीधा प्लेट के अंदर, ये आ गई जी दो रुमाली रोटी, और इसको मक्खन के ऊपर, वाह वाह वाह, मक्खन के ऊपर, मक्खन के साथ, मक्खन के ऊपर, मक्खन से लथपथ करके गर्म करके आपको दिया जाएगा। ये आपकी कबाब्स की प्लेट विथ आपका रुमाली रोटी, वो भी तवे वाली, एंड साथ में प्याज हरिया धनिया वाला टकाटक कबाब बनके तैयार है जी। सारा फैमिली बैकग्राउंड हलवाई डेयरी यही है, यानी कुकिंग ब्लड में, कहीं से कुछ सीखना नहीं पड़ा, मसाले जो उनको देखते थे वही यूज कर रहे हैं। पापा बीमार रहते थे, शुगर थी, हार्ट पेशेंट थे, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसे है, हमारे लोगों को बीमारियाँ जल्दी लगती हैं क्योंकि फैटी शरीर है, हेरिडिटी है, हम छेड़ते भी नहीं, कोई छेड़ेंगे तभी नुकसान उठाएंगे। 6 साल की उम्र थी मेरी जब डैडी गुजरे। दशहरे वाला दिन 12 अक्टूबर वैष्णो देवी से आए, आते ही कंजके करी और एडमिट हो गए, और दशहरे वाले दिन एक्सपायर। मुझे समझ नहीं थी कि पापा गुजरे हैं, मैंने क्या करना, तो मैं पापा की बॉडी पड़ी है तो साथ में पार्क था, वहाँ बम जला रहा हूँ, क्योंकि 6 साल की उम्र के अंदर पता नहीं होता बच्चा उस टाइम तो, हमारे यानी आजकल के बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, हमारे टाइम में तो कुछ होता ही नहीं था। टू व्हीलर का काम करा, डिप्लोमा करा, मम्मा मेरी ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, नहीं मुंडा बाहर नहीं जाएगा, फिर मैंने केबल का काम किया अपने जीए के साथ, और थोड़ा बीता काम सेट हुआ, भैया बीमार हो गए, भैया कोई वही प्रॉब्लम शुगर हार्ट की प्रॉब्लम, भैया के साथ तो कम्युनिकेशन होता था कि चल अब मैं काम नहीं करूँगा, मैंने बहुत कर लिया, वो हांगकॉन्ग तक गए हैं कुकिंग के लिए, मैं नहीं करूँगा, मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को तो एक काउंटर खोल दे, मैं यहाँ पे पीसीओ खोलूंगा, उस टाइम एसटीडी पीसीओ बहुत चलते थे, एक टाइम ऐसा आया कि भगवान ने उनको भी ले लिया, यानी जब जब जिस जिस बंदे की मुझे जरूरत पड़ी तब तब वो बंदा मेरे को छोड़ के चला गया। दोनों भतीजियों को पढ़ाया, एक की शादी कर दी, बहनों की शादी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, बहनों जब तक थी तब तक मैं पढ़ा, 6-7 करी, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ा, मन नहीं था पढ़ने का, बैकग्राउंड ऐसा था भैया का होटल होता था, साथ में वहाँ हेल्प करते रहे, देखते रहे कैसे करना है कैसे नहीं, कैसे चिकन को मैरिनेट करना है, यानी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। फिर केबल का काम सेट हुआ, सेटअप वो खाने के बाद जब सारा कुछ काउंट होने लग गया, केबल का काम कम हो गया, कंपटीशन हो गया, इतना बुरा हाल देखा कि खाने को रोटी भी नहीं थी, लेकिन बहनें जिए, मेरे दोनों जिए ही, दोनों बहनें भगवान है मेरे लिए, भगवान, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल है, आज भी मैं कहता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो मेरे लिए अवेलेबल है।
बाकी फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी। मैंने यही कहा कि बस मैं अपनी मेहनत करके कुछ कर लूँ। तो ये बनने जा रहा है जी यहाँ का स्पेशल चीज बस कुलचा तंदूरी ऑमलेट। सबसे पहले एक बोल के अंदर आ गए जी दो अंडे, प्याज, हरिया धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची, ये आ गया जी चिली फ्लेक्स, नमक, सूखा धनिया, मसाला, तवे के ऊपर मक्खन की कुल्फी। भाई साहब फोक घुसाया हुआ है मक्खन के अंदर, इट लुक्स लाइक अ कुल्फी। अंडा जो फेटा था वो सीधा तवे के ऊपर आ गया जी मक्खन के अंदर। कसूरी मेथी से भरा हुआ कुलचा, इसको डिप करके फ्लिप कर लिया जाएगा। ये आ गया जी चीज, अमूल चीज, लिक्विड चीज, वाओ। ये आ गई जी चिली फ्लेक्स और कुलचा, उसके ऊपर फ्लिप कर दिया जाएगा। और ये अंडे को घुमा दिया गया ताकि हीट बराबर हो जाए सब तरफ से, और ये फ्लिप कर लिया गया। अरे वाह, और ग्रूव्स बना दिए ताकि जो चीज है वो मेल्ट हो जाए और जो अंडा है वो अच्छे से पक जाए अंदर से। और अब इसको दोबारा से फ्लिप कर लिया जाएगा। जो बोल रहे थे चीज बर्स्ट, अब देखो साइड से जो है चीज मेल्ट कर रहा है। ये ऊपर आ गया एक सॉस, ये तंदूरी सॉस है सर? तंदूरी होममेड मैरिनेट है जी अपना। वाह, ये तंदूरी होममेड मैरिनेट है जी। ये जो लोग तंदूरी चिकन नहीं खाते ना, ये एगिटेरियंस के लिए है जी। तंदूरी जो चिकन वाला फ्लेवर आपको मिलेगा इसके अंदर। भाजी ने मुझे बोल दिया जी थोड़ा दूर हो जाओ, तो मैं थोड़ा दूर हो गया हूँ। और ये एक गन को स्टार्ट करने वाले, ओ भाई साहब, ये एक सेटअप सा बनाया हुआ है जिसमें एलपीजी सिलेंडर के आगे से गन निकल रही है। अब इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया जाएगा भाई साहब, मेल्ट करके मक्खन भी डाला जाएगा। क्या बात है जी, क्या बात है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। जितना अंडा था वो तो गायब हो गया है, उसके ऊपर सिर्फ मक्खन और जो तंदूरी सॉस थी वो दिख रही है। And it's still being roasted. और ये आ गया जी गरम मसाला, हरिया धनिया, नींबू, एंड ये मक्खन जो साइड में आया था वो सारा का सारा आ गया जी अंडे के ऊपर। ये आपका चीज बर्स्ट कुलचा तंदूरी जो है आ गया प्लेट के अंदर। और भाई साहब आई थिंक दिस इज लोडेड विद कैलोरीज, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी ये ऑमलेट है। अगर आप इसको खाते हो तो अकेले ना खाओ, इसको दो तीन दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज भाई साहब इट्स फुली लोडेड। जुए की लत ऐसे लगी कि केबल का काम बंद हुआ। फिर जब बंदा विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी की बात नहीं सुननी, किसी को मानना ही नहीं, ऐसी तैसी बढ़ती है। बहनें, बहनों से बोलना ही नहीं, जीटों से नहीं बोलना, जो मर्जी कुछ कहते हैं करना ही नहीं, दारू भी नहीं। भतीजी का जन्मदिन था, भतीजी के जन्मदिन के ऊपर केक काटने के लिए पैसे नहीं थे। 5 रुपये का जुआ खिलाया, 450 रुपये मिले। मैं खुश, मैं कहा यार इससे बड़े तो कोई बिजनेस ही नहीं। 450 रुपये आ गए, फटाफट घर पहुँचे, केक लाए, खाना बनाना तो आता ही, घर में खाना बनाया, बच्चे खुश। फिर वही वाली बात है, किसी का बुरा करना हो ना उसको 4 लत 3 लत लगवा दो। जुआ, दारू, जुए की लत इतनी लगी, इतनी लगी, इतनी लगी, जब पहला लड़का हुआ 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश था जुए से जीता हुआ। जिससे जीता वो कह के गया आज तो खुश हो रहा है, मेरा टाइम आएगा तेरे घर के दरवाजे उखाड़ दूंगा, दरवाजे का मेरे घर की छत भी उखाड़ दूंगी। 50 लाख का मकान मैंने 30 लाख में देखा। आज कोई कह दे 2 रुपये का खेल ले, मैं कहता हूँ भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम। मैं को रिक्शे पे ले आया जुआ, मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का, एक 6 साल का। मैंने उनके सर से छत छीन ली। फिर हम उत्तर नगर शिफ्ट हुए, यहाँ मूड था काम करने का कि फोटो स्टेट करेंगे, नेट का काम आता था, नेट का काम करेंगे, साइबर कैफे खोल लेंगे। लेकिन जब यहाँ के मार्केट देखी, फिर पैसा कौन लगाए, मेरे जीए कहते तो रिक्शा चलाएगा। मैं कहा जीए रिक्शा, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऑफिस में बैठता था, लड़के काम करते थे, 4-4, 5-5 नीचे, चलो जी रिक्शा चलाया। रिक्शा चलाया मैंने 1.5 साल, उसके बाद मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए। फिर मैंने थोड़ा टाइम वेट किया, किसी को नहीं बताया, मैंने धीरे धीरे 4 पैसे जोड़ने शुरू किए। मेरे मन में था मैंने कुछ करना है, मैंने रिक्शा नहीं चलाना, क्योंकि ओए ओए बैटरी ओ रिक्शे वाले ऐसे बोलते थे लोग। और जब सब फेस करते थे कि हाँ यार ये तो बंदा कुछ और ही है, अलग ही है, ये तो रिक्शे वाला लगता ही नहीं है, तो वो शर्म खा जाते थे, नहीं अंकल तुम्हारे से गलती होगी। फिर वो रिक्शा चलाया जी, फिर अंडे की रेडी लगाई, सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाता था, बच्चे स्कूल के थे, स्कूल उनको छोड़ना, फिर उसके बाद 12 बजे घर आना, तैयारी करनी, फिर शाम को लेके आना उनको, फिर शाम को मैंने लगाना। इस तरीके करते करते मैंने शुरू किया, आज मुझे 4 साल हो गए। ये लग रहा है जी यहाँ का स्पेशल नोरा फतेही ऑमलेट। सबसे पहले देखो तवे के ऊपर आ गया ये भाई साहब, एक तो मक्खन की स्लैब को ना चम्मच के अंदर फिक्स करके रखा हुआ है कि लगना ही है। तो मिर्ची आ गई, जिंजर गार्लिक सॉस आ गई, और ये आ गया जी प्याज। तो नोरा फतेही नाम कैसे डाला सर इसका, आपको पसंद है या नहीं? यहाँ पे तो बहुत सारी हो गई हैं जी, अलग अलग नाम की। हाँ जी, हाँ जी, फिर कुछ करते हैं। ये आ गया जी टमाटर, ये आ गया जी नमक, मसाला, ये यहाँ का स्पेशल मसाला, ये चिली फ्लेक्स, ये आ गया जी हरिया धनिया, हरिया धनिया आ गया जी,
नोरा फतेही और हरिया धनिया है, है, है। और ये आ गए जी अंडे डायरेक्टली इनटू दिस मिक्सचर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये एक तरह से स्क्रैम्बल्ड हो गया ना? स्क्रैम्बल्ड हो गया, लेकिन इसको ना हम ड्राई नहीं करेंगे, ढीली ढीली टाइट नहीं करेंगे। जी जी जी, थोड़ा सा हीट में अपने अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये आ गए जी नोरा फतेही ऑमलेट के लिए दो कुलचे, मक्खन एक बार फिर से, और भाई साहब ये जो ये दिखाना सर एक मिनट कैसे रखा हुआ है, अच्छा चम्मच अंदर घुसाया हुआ है। ये स्क्रैम्बल्ड एग के ऊपर आ गया जी चीज का स्लाइस, मक्खन की कुल्फी, भाई साहब ये मिंट सॉस है और इसको अच्छे से फैला लिया गया है। और ये दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूँ ये चिली सॉस है सर, और ये जो स्क्रैम्बल्ड एग है उसको भी अब, अच्छा अरे वाह ये तो एक पैटी बन गई उसकी, बहुत बढ़िया। तो ये कुलचे के अंदर इसको एक तरह से पैटी की तरह यूज़ किया जाएगा, एंड वो इकट्ठा है बिकॉज ऑफ द चीज़। ये ऊपर से आ गई जी चिली फ्लेक्स, लिक्विड चीज़, और भाई साहब। और ये आ गया जी मसाला, हरिया धनिया, ये आ गया जी नींबू, ये बन गया जी आपका कुलचा सैंडविच एक तरह से। दिस इज कॉल्ड नोरा फतेही, प्लेट के अंदर नोरा फतेही ऑमलेट या नोरा फतेही एग सैंडविच, और अब इसको काट लिया जाएगा। वाह, ये ऊपर से हरिया धनिया। रिश्तेदारों को भी काम करा दो, सेट करा दो, कोई सलाह दे, कोई सलाह दे, कोई कहे तेरा डैडी आज तक सेट नहीं हुए, तेरा भाई आज तक सेट नहीं हुआ, यानी इतनी लानते बड़ी। मेरे डैडी के पास किसी टाइम पे तिहाड़ जल का ठेका था खाना बनाने का, तो क्या हस्ती होंगे। किराए पे रिक्शा चलाया, 400 रुपए दिहाड़ी होती थी रिक्शे की, और शाम तक काम होता था 800-850 रुपए, जिसके अंदर चार्जिंग खुद करनी पड़ती, 100 रुपए चार्जिंग लगता था, 500 रुपए बाहर चला जाता था, और 300 रुपए घर आता था। तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी होते थे मेरे, कि मम्मी 300 रुपए बचता है, फिर 6 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे घुसता हूँ। और पहले दिन जब चलाया तो आंसू ही आ गए, लोग बदतमीज हैं। मैं रिक्शा चलाता था, केबल की तार बांध रहे, फिर जाओ भाजी है क्यों है ना, कुछ नहीं हुआ यार, रोटी खा रहे हैं ईमानदारी, कोई क्राइम नहीं कर रहे, रोटी खा रहे हैं, ठीक है रिक्शा चला रहे हैं, क्या हुआ। दिन तो राजा हरिश्चंद्र के भी नहीं रहे थे, फिर भी इधर की रोटी खा रहे हैं, गाड़ी अपनी है, लोग किराए पे चला रहे हैं, हमको गाड़ी अपनी लेके दे दी। हम किराए पे चलाते थे तो किराया देके आते, दिल दुखता था, ओ यार 400 तो वही ले गया बैठे बैठे, मेहनत सारी हमारी उन्होंने तो 400 बैठे बैठे कमा ली, फिर भी संतुष्टि थी, लेकिन मन में ये था कि कुछ करना है, सारी जिंदगी रिक्शा नहीं चलाना है। किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई खाने को रोटी डालने नहीं आएगा, अगर आप में गट्स हैं तो आपको रोटी मिलेगी, आपके घर में बॉडी पड़ी होगी, कोई जलाने नहीं आएगा अगर आपके पास 4 पैसे नहीं होंगे। लेकिन मेरी बहने, मैं कहता हूँ ऐसा अगर जन्म दोबारा हो जाए तो यही माँ बाप यही बहन भाई थी। भाई मुझे कहता था, मेरे को आज भी उसके वर्ड याद आते हैं कई बार, मैं सोचता हूँ आज मेरे साथ होता तो मेरी बाजू साथ में खड़ी होती, ये काम को मैं कितना बड़ा कर रहा था, वो तो पूरा कुक था, मैं तो उसके नीचे रह रह के सीखा हूँ, चपेटे खा खा के सीखा हूँ, मैंने तो कभी किया ही नहीं। वो कहता था, उसको डाउट था कि मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे पालेगा, हाँ भाई तेरे बच्चे पाल लिए, तो ये तो नहीं कहेगा। नहीं भाजी, बड़ा शुक्र है उत्तर वाले का, बहुत बढ़िया फैमिली मिली, बस इन्हें ही चाहते हैं भाजी, फेर दे बसते रहिए, बच्चे बच्चे वास्ते कुरकार जी, बस यही मलाल है गया मन अंदर की, बस मैं बच्चा तो छत खोली, किराए तो रह रहे हैं, बच्चा नु छत मिल जाए, छत खोली, ये मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपने लिए तो जब करनी थी कर ली, अब ये मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे मेरे को ना बोलें कि मेरे पापा कुछ नहीं कर गए। तो ये है जी यहाँ का स्पेशल चीज बर्स्ट तंदूरी ऑमलेट, भाई साहब चीज बर्स्ट तंदूरी कुलचा ऑमलेट, और भाई साहब हियर इज अ बाइट, एंड ये पहले इसको बाइट को तोड़ लेते हैं। ओए होए 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 होए, लोडेड विद कैलोरीज मैन, तो इसका एक बढ़िया सी एक बाइट बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो ऑमलेट है, ऑमलेट के अंदर जो सॉसेज और चीज डाला था वो है, जो सब्जियाँ डाली थी वो है, जो हरिया धनिया डाला था वो है, और उसके अलावा इधर है जी बहुत सारा लिक्विड चीज़ और मेयोनीज, और एंड यू नो दिस बेसिकली दिस ऑमलेट और दिस रेसिपी इज़ फुल ऑफ चीज़ एंड फैट्स एंड ऑल ऑफ द गुड प्रोटीन्स। आओ जी, हियर इज़ अ डिप इनटू द हरी चटनी, द मिंट चटनी, सबकी प्यारी सबकी दुलारी हरिया चटनी। तो हियर इज़ अ बाइट, भाजी जो बोल रहे थे ना कि जो लोग तंदूरी चिकन नहीं खा सकते या चिकन नहीं खा सकते, दिस इज़ गुड फॉर देम, इट्स एक्चुअली गुड फॉर एवरीवन ऑब्वियसली, बट अगर कोई ऐसा है जिसने कभी तंदूरी चिकन नहीं खाया, उसको अगर सिमिलर फ्लेवर देना है तो आई थिंक दिस इज़ इट।
दिस इज द आइडियल तंदूरी चिकन फ्लेवर जो होता है. जब बन रहा था तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा यार ये इतने सारे फ्लेवर्स क्यों डाल रहे हैं. बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, अंडे का जो फ्लेवर है वो है ही नहीं इसमें. इसमें वेजीज का फ्लेवर है, मसालों का फ्लेवर है, चीज़ का फ्लेवर है, टमाटर का फ्लेवर है, खटास है बहुत अच्छी, अंडे का फ्लेवर है ही नहीं. कुल्चा इन इटसेल्फ इट्स सुपर क्रीमी बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा चीज़ एंड ऑल, जो जैसे एक तरह से लेप लगा हो ना. आई ऑनेस्टली कांट वेट फॉर नोरा फतेही. ये है जी नोरा फतेही, पीछे से मुझे चित्र पड़ेंगे. ये है जी नोरा फतेही, अंदर स्क्रैम्बल्ड एग्स का एक कॉम्बो है, उसके साथ चीज़ है, उसके साथ बहुत सारी वेजीज हैं, सॉस है. हियर इज अ बाइट, हियर इज अ बाइट इन टू द नोरा फतेही, हियर इज अ बाइट ऑफ नोरा फतेही, हियर इज अ बाइट ऑफ नोरा फतेही, हियर इज अ बाइट. अंडे में जब नींबू डाल रहे थे ना, मुझे लग रहा था भाई साहब अंडे में नींबू नहीं होना चाहिए, अजीब सा फ्लेवर हो जाएगा. बट आई कैन ऑनेस्टली अंडरस्टैंड कि जो खटास बिल्डअप हो रही है बिकॉज ऑफ द नींबू, उसकी वजह से ना एक जो बढ़िया फ्लेवर उभर के आ रहे हैं सॉसेज के, चीज़ के,